दोस्तों ये एक मुनफरिद वर्ल्ड कप हो रहा है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, जिसमें पहले मजबूत टीमें बाहर हो रही हैं। आज न्यूजीलैंड टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, श्रीलंका भी पहले की बाहर हो चुकी है, अफगानिस्तान टीम आ चुकी है, बांग्लादेश टीम तकरीबन आ चुकी है, तो अब तीसरी बड़ी टीम खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी हो सकती है। और सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं ये फैसला होने में कि पाकिस्तान कहीं बाहर तो नहीं हो जाएगा। अगरचे आज मैच हो भी जाता है तब भी थोड़ा पाकिस्तान को आगे करना पड़ेगा। उसमें भी एक चीज़ है, हम सब दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो, मैच हो जाए, आयरलैंड मैच जीत जाए, उसमें भी एक चांस है। हम ये तो दुआ कर रहे हैं आयरलैंड आज का मैच जीत जाए, ये भी दुआ कीजिए कि संडे को पाकिस्तान भी आयरलैंड से जीत जाए, ये ना हो कि आयरलैंड दो मैच जीते और उसका चांस बन जाए, ये भी एक कहानी है। क्योंकि ये टीमें उठ के आ रही हैं और जैसे पाकिस्तान अंडर प्रेशर खेल रहा है, जैसा माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान टीम से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये बिलीव है कि पाकिस्तान टीम अगर यहाँ से निकली तो पकड़ में नहीं आने वाली, मगर सवाल ये है कि निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। क्योंकि फ्लोरिडा का जो वेदर है, मैं तकरीबन 1.5 माइल दूर हूँ स्टेडियम से, 1.5 माइल दूर हूँ। आप पीछे बादल देख सकते हैं, ये डराने वाले खड़े हुए हैं, ये पीछे बादल जो हैं ये डराने वाले खड़े हैं। मेरे सामने एक गाड़ी है, मैं आपको उसके गाड़ी का ना छत दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए सारा ये माहौल है दोस्तों। उसकी वजह ये है कि लगातार बारिश हो रही है, अभी बारिश नहीं हो रही, कुछ वक्त के बाद बारिश होगी। कल तकरीबन 45-55% बारिश है ऑल द डे, बट सीन ये है कि वक्फे से है, रुक भी सकती है। मिनिमम जो ओवर वाली ऑप्शन है उसमें हम जा सकते हैं कि होता है या नहीं होता। तो दुआ जो भी मांगनी है पूरी मंगो कि आयरलैंड अज जीते संडे नू हारे, ये ना हो अज भी जीते तो अगे भी जीते तो ऐसी फिर कितने ना रही है, ये भी एक जहन में रखिएगा। और दूसरा दोस्तों, अफगानिस्तान टीम के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आज तीसरा लगातार मैच वो जीते हैं और ख़ासकर जो न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया था वो ख़ास बात थी। और ये जिस तरह का वो गेम खेल रहे हैं अफगानिस्तान की टीम, अब मैं उनको पहले भी 2023 में जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, हमारे यहाँ बड़ा बवाल मचा था, हाहाकार हुआ था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया। अगर जो दोस्त मुझे उस वक्त से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप छोटी टीम से नहीं हारे, ये टीम इनकमिंग ईयर्स बहुत बड़ी टीम बनने वाली है। और जो कंडीशन के ऊपर वो खेल रही है ना, आप यकीन मानिए, मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये नौशता दीवार है, ये बड़ी बड़ी टीमों को तंग करेगा। और बड़ी बड़ी टीमों से मुराद है मेरी बड़ी बड़ी टीमें, आप चाहे इसमें इंडिया ले लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, कोई भी टीम ले लें, ये बड़ी बड़ी टीमों को तंग करेगी और ठीक ठाक तंग करेगी। आप ये लिख लें, ये देख लीजिएगा क्या कमाल करती है ये टीम। उसकी वजह है दोस्तों, इनके पास प्रॉब्लम था दो, एक इनके बल्लेबाज सुथरे नहीं थे, दूसरा इनको प्रॉब्लम था कि इनके पास ना खासकर फास्ट बॉलिंग वाला वो मसला था थोड़ा सा। फजल हक फरूकी का ये कमाल है कि वो नया बॉल बहुत तगड़ा करते हैं, कट के जो अंदर आ रहा है उनका, अब तो शहीन से भी अच्छा आ रहा है। ये तो वसीम अकरम ने भी कहा कि इन पिचों के ऊपर फजल हक फरूकी आगे बॉल डाल रहा है, बॉल बहुत अच्छा कट रहा है, जो उन्होंने फिन एलन को बोल्ड किया था इस वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे अच्छी डिलीवरी है। या फिर वो नतवार ने जो आउट किया था विराट कोहली को, वो बड़ा अच्छा बॉल बाहर गया था, मगर ये स्विंग होकर जो अंदर आया कमाल बॉल था, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जो उनका ट्राइका लगा हुआ है स्पिन में, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है ना, जो उनका स्पिन का ट्राइका लगा हुआ है शानदार, जो कप्तान है राशिद खान वो किसी से खेले नहीं जा रहे, बैटिंग भी उनकी कमाल है। ये भी एक खास बात है कि उनके बल्लेबाजी, उनमें सारे चीज़ें हैं, उनमें स्लॉगिंग वाले भी हैं, उनके पास डिफेंस वाले भी हैं, ऑल टुगेदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है उनके पास है। और आप टीम छोड़ दीजिए कि अफगानिस्तान टीम है, वैसे उनके खिलाड़ी देखें, ऑन पेपर देखें, फॉर्म के मुताबिक देखें, किसी भी बड़ी टीम को तंग नहीं करेंगे, हरा भी सकते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये टीम सेमीफाइनल भी पहुंच सकती है, आप यकीन मानिए, मुझे इतना भरोसा है अफगानिस्तान टीम पे। और मुझसे सच पूछें, आई एम वेरी हैप्पी कि ये टीम इतना ऊपर जा रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल जर्नलिज्म का स्टार्ट था मेरा जब मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जो कि अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है पाकिस्तान का कजाफी के बिल्कुल सामने, मैं शुरुआती जब मेरा दौर था मैंने इनको कवर करता था, ये आते थे अकेडमी में, क्योंकि ये अफगानिस्तान की टीम थी, कुछ ज़्यादा मीडिया भाव नहीं देता था, तो मुझे बड़ा क्रिकेट का था कि ये लड़के किस तरह आए, इतनी मेहनत करते थे। मुझे आज भी याद है कि जो अकेडमी के हमारे कोचेस थे वो कहते थे यार ये टीम बहुत ऊपर जाएगी, मैं पूछता था क्यों, कहते फिजिकल बहुत तगड़े हैं और सबसे खास बात है इनमें जुनून बहुत ज़्यादा है। हमारे जो कोचेस थे ना नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वो कहते थे यार ये बहुत आगे, जल्दी बहुत आगे जाएंगे, पर इतना नहीं था कि सानू भी आगे ला देंगे, ऐसा भी टाइम आएगा कि हमें आगे लगा देंगे, तो लगा चुके हैं। बीच में इंडिया में भी जाकर उन्होंने कुछ ट्रेनिंग की, अपनी होम सीरीज़ भी इंडिया में खेली, तो वहाँ पे इंडिया ने भी बहुत उनको हेल्प आउट किया, बट पाकिस्तान ने शुरुआत में इनको बहुत हेल्प आउट किया, हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ये लोग खेले। मगर अब हम जो कहेंगे ना कि हमने अफगानिस्तान को तैयार किया, लोग हंसेंगे कि पाएं तुम खुद कितने हो, तुम तैयार किते हैं। पॉइंट इसके उन्होंने मेहनत की है, टैलेंट को ऊपर लेके आए, सिलेक्शन उन्होंने मेरिट पे किया, इसलिए टीम आगे आई है। आप देख लीजिए, आप एशिया में आप चले दूसरी टीम समझ लीजिए कि हम दूसरी टीम थे, या पहले हमारा रहता है कॉम्बिनेशन इंडिया के साथ, बट इंडिया थोड़ा हमसे आगे की चीज़ हो गई है, बट अब दूसरे प्लेस के ऊपर भी हम खतरा है,
अब अफगानिस्तान टीम यूं तेजी से बढ़ी है, हमें नहीं श्रीलंका को भी है और बांग्लादेश को भी है। बांग्लादेश तो खैर थोड़ा मुझे लगता है और नीचे वाला पॉइंट है। तो अफगानिस्तान की टीम रॉकेट बन रही है, रॉकेट की तरह आ रही है। और यकीन मानिए हमें इसलिए भी खुशी है कि बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपके एशिया में एक और मजबूत टीम पैदा हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखिएगा नेपाल में भी विद इन कमिंग ईयर्स आप देखिएगा उनकी टीम भी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि क्रेज़ है क्रिकेट का वहाँ पर भी। अगरचे थोड़ा उनका भी लेवल काफ़ी लो है, बट पॉइंट इज़ के वो टीम इसलिए ऊपर जाएगी कि क्रेज़ बहुत है। अफगानिस्तान में सिलेक्शन का मेरिट बहुत अच्छा है, इसलिए वो टीम ऊपर जाती है। आपके भी यहाँ सिलेक्शन का मेरिट थोड़ा अच्छा था, दो तीन क्रिकेटर जिनके सब बातें करते हैं कि उनको होना चाहिए था, तो शायद हमारी कहानी भी ऑल टुगेदर डिफरेंट होती। हम ये दुआएं ना कर रहे होते कि ये जो बादल बने हुए ना ये बरस ना पड़े, ये हम दुआ ना कर रहे होते। हम होते बरस पैन कोई मसला नहीं, हमारा तो पॉइंट है, हमने आयरलैंड को हराना और हम सीधा चले जाएंगे। ना भी हराएं तभी एक पॉइंट से हम चले जा सकते थे, अगर हमने यूएसए को हराया होता। इवन हम इंडिया के साथ भी फंस के खेले, बट जो हो गया सो हो गया। स्टोरी इज़ के अफगानिस्तान अगले स्टेज में पहुंच रही है और मुझे तो लग रहा है कि उनको रोकने वाला शायद बहुत कम होंगे कि उनको रोक पाए। बहुत तगड़ी टीम है दोस्तों, बहुत तगड़ी टीम है। बट दुआ कीजिए कि ये बादल ना बरसें, बरसें तो इतना बरसें के मैच हो पाए, क्योंकि अगर ये इतना बरसें के मैच ना हो तो ये समझे हमारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाले बादल हैं, यकीन मानिए। और पूरी दुआ मांगिए कि संडे को हम भी हरा दें, ये ना आयरलैंड आज भी जीत जाए और संडे को भी जीत जाए और हम फिर कहें कि आ क्यों है साढ़े नाल। तो दोस्तों ये है अपडेट ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, और मुझे इजाज़त दीजिए। बाकी फ्लोरिडा के वेदर, मैच के चांसेस और तमाम अपडेट के साथ मैं आपके साथ बार बार जुड़ता रहूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।